नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट। राजभवन से बाहर निकले राजभवन में आज स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी देवी की शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। राजभवन में आज स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। राजभवन में सिर्फ विधायक और मंत्रियों को जाने का परमिशन है। झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री अपने साथ अपने प्रवक्ता को भी राजभवन ले जाने की जिद पर अड़े रहे, जब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इससे नाराज होकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट बाहर निकल गए। जब उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया इससे नाराज होकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट बाहर निकल गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। राजभवन की तरफ से तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जनता इसका जवाब भाजपा को देगी। पूरी तरह से केंद्र सरकार के सारे पर, भारतीय जनता पार्टी के सारे पर राजभवन काम कर रही है और ये कहीं से भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आज हमारे इस राज्य के निर्माता, इस राज्य के लिए अपनी आहुति देने वाले हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी आज यहाँ शपथ ले रही, शपथ लेने का उनका आज कार्यक्रम है और पहले भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम हुए हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग जाते हैं और शपथ ग्रहण का के गवाह बनते हैं और आज हमें रोका गया क्योंकि हमारे साथ पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सिर्फ एक व्यक्ति हमारे साथ। मैंने आग्रह किया गेट पर, कहा कि नहीं सर, आपको जाना है या नहीं जाना है, आप वापस चले जाइए, लेकिन हम आपके सिवा किसी को नहीं जाने देंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और संविधान की हत्या है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के लोग है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक शहीद, एक स्वर्गीय मंत्री विधायक की पत्नी के शपथ ग्रहण में हमें का गवाह हमें बनने से रोका जा रहा है और ये पूरी तरह से साजिश है। ये राजभवन की और ये केंद्र के सारे पर ये सारा काम हो रहा है। राज्य की जनता सब कुछ देख रही है, देश की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका मीडिया को भी पूरी तरह से तानाशाही हावी है।